मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एमए प्रीवियस इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड बाय आवर ओन कॉलेज श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय। बेटा, कल हमारी पोएम पोर्फेरियस लवर चल रही थी और उसका यहाँ तक हो गया था कि शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टॉर्म and kneel and make the cheerless great blaze up and all the court is warm which done she rose and from her form. Okay, ab aage padhte hain. We drew the dripping cloak and shawl and laid her soiled gloves by, untied her head and let the damp hair fall. And last she sat down by my side and called me. When no voice replied, she put my arm about her waist and made her smooth white shoulder bare. And all her yellow hair displaced and stooping made my cheek lie there and spread over all her yellow hair. अब देखते हैं, देखो उसने कहा withdrew her dripping cloak and shawl. withdrew withdrew यानी एक तरफ रखना the dripping dripping ड्रीपिंग का मतलब होता है गीला. विड्रू द ड्रीपिंग क्लॉक एंड शॉल. क्लॉक ये एक लंबा चोगा टाइप होता है, जैसे हम गाउन पहनते हैं, जो लेडीज गाउन पहनती हैं, है ना, उस प्रकार का ये क्लॉक होता है जो कि पूरी बॉडी को कवर करता है, अच्छे तरीके से कवर करता है. एंड शॉल आप जानते हो. And laid her soiled soiled means dirty gloves. आप जानते हो दस्तानों को बोलते हैं gloves, hand gloves होते हैं. By and tied her hat and let the damp hair fall. Damp डैम का मतलब होता है गीला, यानी वेट, वेट बोल सकते हो. ठीक है, तो देखो ये आपको बता दिया था कि जो पोर्फेरिया थी वो बारिश आंधी तूफान आने के बावजूद भी अपने लवर से मिलने के लिए अकेली जंगल में आती है. और जब वो जंगल में आती है तो उस समय भयंकर तूफान चल रहा था और ठंड जो थी वो भी बहुत तेज थी. तो भीगती हुई पोर्फेरिया उस हट के अंदर पहुंचती है और उस हट को अच्छे तरीके से क्लोज कर देती है ताकि जो ठंड है वो बाहर ही रह जाए, ठंड और जो तूफान चल रहा था वो बाहर ही रह जाए. जब वो अंदर आती है तो वो सबसे पहले क्या करती है, जो अंगीठी जली हुई नहीं थी उसको जलाती है, है ना, ब्लेजर यानी उसको जलाती है. और उसके बाद में वो क्या करती है कि जलाने के बाद में जो कोटेज था, है ना, जो कुटिया थी वो गर्म हो जाती है. ठीक है, उसके बाद में वो क्या करती है, विड्रू द ड्रीपिंग क्लोक एंड शॉल. जो गीले कपड़े उसके थे और जो शॉल उसका गीला हो गया था उसको एक तरफ रख देती है, है ना. विड्रू द ड्रीपिंग क्लोक एंड शॉल एंड लेड हर. लेड का मतलब भी होता है टू पुट, रखना. लेट का मतलब होता है रखना. एंड लेड हर सॉलिड ग्लोव्स बाय, और उन्हीं के साथ में उस क्लॉक और शॉल के साथ में ही जो उसके ग्लोव्स यानी जो गंदे हो गए थे, क्योंकि पहन के आई थी बारिश मिट्टी वगैरह लगती है तो गीले और गंदे हो जाते हैं, तो उसी शॉल और क्लॉक के साथ में वो उन ग्लोव्स को भी रख देती है. ठीक है, untied,
अनटाइट का मतलब होता है ढीला करना। जैसे हम कोई डोरी बांधते हैं या कुछ बांधते हैं बेल्ट वगैरह, जब उसको थोड़ा ढीला कर लेते हैं, जैसे टाई बांधते हैं, टाई को भी हम ढीला कर लेते हैं, तो उसको अनटाइट कहते हैं। अनटाइट हर हेड, और वो क्या करती है, अपनी हेड को, टोपी को भी ढीला करती है, क्योंकि जो टोपी वो ऊपर पहन के आई थी वो बहुत टाइट यानी कठोर तरीके से बंधी हुई थी, उसको भी वो आके ढीला करती है। ठीक है, अनटाइट हर हेड एंड लेट द डैम हेयर फॉल। एंड लेट, वैसे तो बेटा लेट परमिशन के लिए यूज होता है, यानी अनुमति देना लेना लेट होता है, लेकिन यहां वो अपने क्या कहेंगे, डैम हेयर फॉल, यानी जो बाल गीले हो गए थे, मैंने बताया डैम का मतलब होता है वेट, जो बाल गीले हो गए थे उनको खोल लेती है। ठीक ना, जैसे हम हमारे बाल गीले होते हैं तो हम उसको सुखाने के लिए खोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो पोर्फेरिया थी वो अपने बालों को खोलती है। तो आपने देखा कि अंगीठी जलाने के बाद में वो सबसे पहले जो अपने कपड़े उसके जो गीले हो गए थे उनको एक तरफ रखती है, यानी क्लोक और शॉल को एक तरफ रखती है, उसी के साथ में वो अपने ग्लोव्स जो कि बिल्कुल गीले हो गए थे उनको भी एक तरफ रखती है, और उसके बाद में वो जो उसने सिर पे टोपी पहन रखी थी उसको ढीला करती है। ठीक है, और ढीला करने के बाद में क्या करती है, अपने बालों को जो उसके ढीला करने का मतलब टोपी भी वो उतार देती है, क्योंकि टोपी भी गीली हो गई थी, और जब ढीला करती है तो टोपी को उतार के रख देती है, और उसके बाद में अपने बालों को फैला लेती है, खोल लेती है, क्योंकि बाल भी उसके हल्के हल्के गीले हो गए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करती है। एंड लेट द डैम हेयर फॉल एंड लास्ट, और लास्ट में वो क्या करती है, ये सब करने के बाद में शी सैट डाउन बाय माई साइड, यानी लवर कह रहा है शी सैट डाउन बाय माई साइड, यानी मेरे पास में बैठ जाती है, शी सैट डाउन बाय माई साइड। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। अब देखो बेटा, यहाँ दो जगह एलिट्रेशन का यूज हुआ है वो हम देखते हैं। एक तो एलिट्रेशन का यूज हुआ है यहाँ हर हेड, कहाँ हुआ है, हर हेड एच एच का यूज हुआ है। ठीक है, तो आप कह सकते हो द पोएट यूजेस एलिट्रेशन, द पोएट यूजेस एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का यूज पोएट ने बखूबी किया है ना, हर हेड तो एलिट्रेशन हो गया इसमें, और एक एलिट्रेशन हमारा आया है शी सेट में, शी सेट, यहां भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है, इसका यूज हुआ है एलिट्रेशन का, एलिट्रेशन का यूज हुआ है शी सेट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर एलिट्रेशन उसने किया है, शी सेट और हर हेड। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, कि वो कह रहा है हर हेड एंड लेट द डैम हेयर फॉल एंड लास्ट शी सैट डाउन बाय माय साइड, और आखिर में, सबसे आखिर में वो क्या करता है कि जो लवर है वो उसके पास में आके बैठ जाती है। ठीक है, अब क्या है, क्या होता है कि एंड कॉल्ड मी, और मुझे पुकारती है, यानी द बिलव्ड कॉल्ड मी बिकॉज देर इज नो आंसर केम टू द लव। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है एंड कॉल्ड मी, और मुझे पुकारती है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हो कि अभी क्या था कि वो अकेली आती है हट के अंदर, आराम से बैठ जाती है, और अंगीठी को जलाती भी है, और जलाने के बाद में क्या करती है, अब
जो उसके गंदे कपड़े थे, जो उसके गीले कपड़े थे, वो सारे वो सुखाने के लिए एक तरफ रख देती है। और सबसे आखिर में वो अपने लवर के पास में आके बैठ जाती है। ठीक है, ओके। क्या कहा आगे, क्या कह रही है? एंड कॉल्ड मी, और वो उससे बोलती है, एंड कॉल्ड मी, व्हेन नो वॉइस रिप्लाइड, शी पुट माई आर्म अबाउट हर वेस्ट, व्हेन नो वॉइस रिप्लाइड, यानी बिलव जो है, कौन बिलव यानी प्रेमिका, शी वॉन्टेड टू स्पीक विद हर लवर, व्हाट आई से, शी वॉन्टेड टू स्पीक विद हर लवर, बट द लवर इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग टू हर बिलव, टू हिज बिलव, सॉरी, देन द बिलव, शी पुट हर आर्म्स अबाउट द वेस्ट ऑफ द लवर। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब बिलव अपने प्रेमी से बोलने की कोशिश करती है और जब कोई भी उत्तर उसे प्राप्त नहीं होता है, then she put her arms about the waist of the lover, वो अपने हाथ उस लवर के कमर के इर्द गिर्द डाल देती है। ओके, नाउ एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर, एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर, बेयर मीन्स अनकवर्ड, अनकवर्ड, बेयर मीन्स अनकवर्ड, ओके, यानी अपने स्मूथ शोल्डर्स को वो थोड़ा क्या है, खोलती है। ठीक है, कि जैसे भाई अपन शॉल वॉल हटा लेते हैं, तो बिलव भी ऐसे ही करती है कि अपने जो स्मूथ शोल्डर्स थे उनको बेयर करती है, यानी अनकवर्ड करती है। ओके, एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड, और जो उसके येलो हेयर थे, येलो देखो हेयर येलो नहीं थे, पीले नहीं होते हैं, पर कुछ गंदे मटमेले से हो जाते हैं, तो इसलिए पोएट ने उसके बालों को येलो हेयर बताया। ठीक है, एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड, और सारे अपने जो उसके लंबे घने बाल थे उनको डिस्प्लेस्ड यानी खोल लेती है, कंधों पर फैला लेती है। ठीक है, तो आपके सामने पिक्चर बन रही होगी कि कैसे एक लड़की है पोर्फेरिया, वो सीधे अपने घर से जंगल की तरफ चलती है, हालांकि उसके घर में बहुत बड़ी दावत चल रही थी, लेकिन उसका मन नहीं मानता है और वो अपने लवर से मिलने के लिए जंगल में अकेली आंधी और तूफान के बीच में चल पड़ती है। जब जाती है तो सीधी क्या है कुटिया के अंदर प्रवेश होती है और उसको बंद कर लेती है और अंगीठी को जलाती है और उसके बाद में अपने लवर से बात करने की कोशिश करती है, है ना, और जितने भी सारे उसके कपड़े थे गीले, जैसे क्लोक, शॉल, हैंड ग्लव्स, उनको एक तरफ रख देती है और अपने बालों को भी जो गीले हो गए थे उनको खोल लेती है। खोलने के बाद में वो अपने लवर से फिर बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे कोई आंसर नहीं मिलता है तो वो उसके पास में जाती है, अपने लवर के हाथों को अपनी कमर के इर्द गिर्द बांधती है और अपने शोल्डर्स को वो बेयर करती है यानी अनकवर करती है और वहां पर अपने बालों को फैलाती है। अब देखो क्या होता है आगे, एंड स्टूपिंग, ठीक है ना, तो ये पीछे से देखना, एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना, एंड ऑल में फिर एलिट्रेशन आया, इसमें एंड ऑल में फिर से क्या है, एलिट्रेशन आया, एलिट्रेशन का यूज हुआ है, किसमें,
झुकना, स्टूपिंग का मतलब क्या होता है, झुकना, एंड स्टूपिंग और झुक जाती है, एंड स्टूपिंग। मेड माई चीक लाई देयर, मेड माई चीक लाई देयर, माई माई आया है लवर के, माई किसके लिए आया है यहां, फॉर द लवर, फॉर द लवर। और चीक, चीक आप जानते हो बालों को बोलते हैं चीक, ठीक है। मेड माई चीक लाइट, और वो इतना कोशिश करती है कि जो चीक होते हैं लवर के उनको अपने कंधों पर रखती है, ठीक है। यहां फिर से एलिट्रेशन का यूज हुआ है, मेड माई कहा हुआ है, मेड माई में फिर से एलिट्रेशन का यूज हुआ है। तो आप देख सकते हो इस पोएम में मेड माई, आप देख सकते हो खुद कि कितना एलिट्रेशन बार बार यूज हो रहा है यहाँ पे। यानी अभी हमने चार पांच लाइनें पढ़ी हैं, उसके अंदर हर हेड में, शी सेड में, एंड ऑल में, है ना, और मेड माई में, यहाँ सब कहीं एलिट्रेशन यूज हो रहा है, बार बार एलिट्रेशन का यूज किया गया। कितने सुंदर शब्द वो लिख रहा है, मेड माई, है ना, एंड ऑल, हर हेड, शी सेड, ओके। कह रहा है मेड माई चीक लाइटर, यानी लवर के जो चीक थे उनको अपने शोल्डर के ऊपर रखती है। एंड स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है क्या होता है, फैलाना, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलाना, स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैलाना, फैलाती है। एंड स्प्रेड ओवरऑल हर येलो हेयर, और फैलाती है ओवरऑल यानी सारे कंधों पर हर येलो हेयर, अपने जो बाल थे उनको फैलाती है। देखो येलो मैं बार बार बता रही हूँ कि इट इज नॉट द कलर ऑफ हर हेयर, बट ड्यू टू रेन एंड ड्यू टू डस्ट द हेयर बिकेम्स such type that it is yellow, seen yellow in color, है ना? The hair became full of dust and damp, यानी गीले हो गए थे, ठीक है। तो due to the damp, the hair seems like yellow in color, ठीक है ना? गीले होने के कारण जो hair थे वो बिल्कुल येलो दिखाई दे रहे थे, मटमेले से थोड़े गंदे और गीले हो गए थे, ओके। तो आप देख सकते हो कि यहां हमने लिखा है स्प्रेड, कि वो अपने कंधों पर अपने बालों को फैलाती है। तो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर वर्णन उसने किया है, यानी झोपड़ी में आके वो अपने लवर को खुश करने की कोशिश कर रही है, उससे बात करने की कोशिश कर रही है, पर जो लवर था, जो प्रेमी था, He said nothing. वो कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है। यानी beloved ही उससे बात करने की कोशिश करी थी lover से, वो बोलती है और जब उसको कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वो क्या करती है, जाती है अपने lover के पास में, और अपने lover के जो हाथ होते हैं वो अपने कमर के इर्द गिर्द घुमाती है, ठीक है, अपने shoulders को बेयर करती है और अपने लवर के चीक को अपने शोल्डर्स के ऊपर रखती है, अपने बालों को फैलाती है, ठीक है ना। क्या ये क्यों कर रही है वो, ये इसलिए कर रही है ताकि वो उसे ये दिखाना चाहती है कि वो उससे अभी भी प्यार करती है, ठीक है, कि वो उससे अभी भी प्यार करती है। लेकिन लवर जो था वो बिल्कुल भी एक शब्द भी अपनी बिलव से नहीं बोलता है। तो आप सोच सकते हो कि वो कितना उदास था, यानी वो बहुत ज़्यादा उदास था, उसे इस बात का डर सता रहा था कि बहुत जल्दी जो पोर्फेरिया है वो दूसरे पर्सन से शादी करने वाली है ना। हालांकि उसने उसे जंगल में भी नहीं बुलाया था,
जो उसकी कुटिया थी वहां भी पोरफीरिया खुद चल के आई थी, लवण ने नहीं बुलाया था उसे। क्यों? क्योंकि पोरफीरिया अभी भी उससे लव करती थी, वो नहीं चाहती थी कि वो दूसरे पर्सन से शादी करे, लेकिन घर वालों के दबाव के कारण और समाज के दबाव के कारण वो ऐसा कर रही थी। हालांकि वो मन से दुखी थी और इसलिए वो अपने लवर को आखिरी बार मिलने के लिए आई थी, उसको ये समझाने के लिए आई थी कि मैं भी इस शादी से खुश नहीं हूँ। ठीक है, तो आज तक आज हमने यहाँ तक पढ़ा, एंड स्प्रेड ओवर ऑल हर येलो हेयर, यहाँ तक पढ़ा। अब हम यहाँ आगे कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।